महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से 28 जिले प्रभावित, वर्धा में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मानसूनी बारिश के कारण महाराष्ट्र के वर्धा समेत कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। मानसूनी बारिश के कारण 1 जून से अब तक राज्य में 105 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसूनी बारिश के कारण महाराष्ट्र के वर्धा समेत कई इलाकों में बाढ़ से हालत बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। मानसूनी बारिश के कारण 1 जून से अब तक राज्य में 105 लोगों की मौत हो चुकी है। रत्नागिरी और गढ़चिरौली में भी हालत गंभीर है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के कुछ इलाकों में बाढ़ से हालत गंभीर बने हुए हैं। इस क्षेत्र में बांधों के उफान के साथ लगातार बारिश हो रही है। मुंबई में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को गढ़चिरौली और गोंदिया जिले के लिए अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गर्जन और बिजली गिरने की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार राज्य सरकार ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जहां भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है। राज्य में 1 जून से अब तक मानसूनी बारिश के कारण हुई घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने एक रिपोर्ट में कहा कि हालांकि महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश जारी है, रत्नागिरी, गढ़चिरौली और वर्धा जिले में नदियों के उफान के कारण बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। रविवार को NDRF के जवानों ने गढ़चिरौली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य किया और लोगों के बीच विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। शनिवार को महाराष्ट्र राज्य आपदा स्थिति रिपोर्ट सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 जून से महाराष्ट्र में हुई बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में कुल 105 लोगों की जान चली गई। अब तक 189 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,836 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मूसलाधार बारिश के बीच शनिवार को 2 मौतें दर्ज की गई है और कुल 68 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कई जिलों में 13 NDRF और 3 SDRF टीमों को तैनात किया है। राज्य के पुणे, सतारा, सोलापुरा, नासिक, जलगांव, अहम सहित राज्य में भारी बारिश से कम 28 जिले प्रभावित हुए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।